यम्मी जूस। तो फाइनली वेडिंग अटेंड करने के बाद हम दिल्ली से अभी वापस घर जा रहे हैं, और ये है दिल्ली का एग्जिट पॉइंट, यहीं से एंटर भी होती है। तो अभी हम कैब कर ली थी एक्चुअली हमने, तो भाविका सो चुकी है, बस हम थोड़ी ही देर में घर पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम रास्ते में भूख लग रही है, तो हमने सोचा है कि शिवा ढाबा पे रुकेंगे जो कि हरियाणा में है, और यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम की भी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, तो अगर नहीं देखी आप देख लीजिएगा। एंड सेकेंड ब्रेक हमारी हुई थी मन्नत में, और वहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा खाया, ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा मन नहीं करती। और भाविका एज़ यूजुअल गाड़ी वाली साइड चले गए, आपको यहाँ से पता नहीं दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, ये देखो, तो ये देख सकते हो उसको, कहीं भी इस तरीके की गाड़ी मिलती है ना ये बैठ जाती है, और उसको यहाँ से उठाना मतलब नामुमकिन हो जाता है। और हम फोटो क्लिक्स करने का सोच रहे थे पर भाविका एज़ यूजुअल भाग रही थी, तो अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे ब्लॉगर साहब को क्या हुआ है। क्यों नहीं इस ब्लॉग में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे ब्लॉगर से जाने से पहले हम देख लेते हैं कि भाविका क्या कर रही है। भाविका क्या कर रही है, इसका सेम काम आपको पता है, मोबाइल और दूध एक साथ मल्टीटास्क। और दिल्ली से आने के बाद दो बार नहा चुकी है, और अब इसके सोने की तैयारी। और फाइनली हमारे ब्लॉगर साहब, ये क्या जून महीने में कंबल, वो भी डबल, कैसी हालत? हालत खस्ता ही पड़ी है, गर्मी में सर्दी का एहसास दिला दिया। तो दिल्ली वालों की यानी आप एक बार जाओ बस, फिर फिर दोबारा जाने की हिम्मत ना करें। अच्छे भले आए थे गाड़ी में, एसी था अंदर, बाहर गर्म था, जब खाना खाने उतरे ठंडा गर्म हो गया। और मुझे लगता है शादी में थोड़ा थकावट होगी रेस्ट में, क्योंकि 3 बजे सोते थे, 5-6 बजे उठ जाते थे। सभी हिम्मत नहीं ज्यादा बात करने की। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि दिल्ली ने वाटर लगा दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे अभी हम कहाँ हैं, अभी हम यहाँ हैं, अभी ग्लूकोज लगा हुआ है। बाकी आपको पता ही था, दिल्ली गए थे मैरिज पे, बिल्कुल पानी सूट नहीं किया, आज लास्ट डे है। कितने दिन हो गया मैं ग्लूकोज लग इधर है? कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और आज 12वीं बॉटल चढ़ी है, आती होगी लिटरली, बाजू थक गई है मेरी, बाजू दर्द होने लग गया। तो बाकी भी रेगुलर वीडियोस फिर से शुरू होंगी बहुत जल्द, कोशिश करेंगे। तो फिर कैसा लग रहा? वैसे तो पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर ये जो लगाया है ना, ये नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। एक और बोतल, वेल तो बोतल है, और मेरी बाजू पूरी दर्द हो रही है। इंजॉय लेते हुए ग्लूकोज की बॉटल्स फ्री फ्री फ्री। और मैं इसी चेयर पे बैठा हुआ, 3 दिन हो चुके हैं इसी चेयर पे बैठे हुए, अब तो दर्द भी करने लग गया। दूसरी शादी जाने में भी डर लग रहा है, पर चलो उस एरिया का आइडिया है हमें, क्योंकि नेक्स्ट शादी में हिमाचल में, आई होप तब तक रिलैक्स हो जाएं, फ्री हो जाएं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएं, ताकि शादी देख पाएं और आपको भी दिखा पाएं। ये वाली शादी हमने शूट नहीं की है, इसकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं आप, अगर फ़ोटोज़ देखनी है वो आप इंस्टा से देख लेना, बाकी अब इनसे बात करो, मेरी बात बस हो गई। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो तीसरे दिन को थोड़ा सा भी आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसलिए थोड़ा छत पर घूमने आई हूँ, सो देट कि थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। क्या लेना है भाभी का? नम नम। नम नम लेनी है, ठीक है। बजू चॉकलेट क्या खाना? ये देखो क्या आया, क्या लेके आया नानी, क्या ये क्या है इसके अंदर? बेबी के पर्स के अंदर क्या है? ओपन करो इसको, ये कौन है? हाँ।
दीदी आ गई। गन्ना दीदी है कहते स्पेशल दीदी क्योंकि मैंने इसको प्यार करके बड़ा किया। प्यार करके बड़ी हुई है ये। ये माला बना दी उसने तो इसकी। कौन सी इंग्लिश है ये? इंग्लिश है ये तो हमारा सर से ऊपर निकल गई। ये दिखाना है इसमें क्या बना है पेंसिल में। ये मेरा है। दिखाओ तो सही। ये रेजर नहीं है कुछ और है। ये देखिए गाइस ये क्या है? एक छोटा सा बंदा। क्या है ये? ये एक छोटा सा है नन्ना सा प्यारा सा पेन। ये मेरे मम्मा ने मुझे स्पेशली ला के दिया। इसके नाल का ये हो रहा है। ये जादुई पेन है दोस्तों। ये जादुई नहीं है। और इसके अंदर आपको मिलती है HB पेंसिल। शॉकिंग। ये जादुई नहीं है पर ये जादुई जैसे पर है नहीं। जादुई नहीं है। ड्राइंग वाली है जिससे हम ड्राइंग करते। ड्राइंग पेंसिल निकली अंदर में। ये दे दो। किसका? जूस का मतलब कहाँ से हो गया हीरे मोती? जूस ऐसे तो लग गया तो जूस है ना तो पहले वाला तो जूस था जूस है। मेरी तो सर से निकल रही है बातें ऊपर से जा रही है समझ नहीं आ रही। अरे सोना चांदी उनको ही तो जूस बोलते हैं। ज्वेलर अच्छा अच्छा को ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा एक्सेंट अलग है इनका कि फॉरेनर ये बाहर की कंट्री से आया लगता है। और हमारे राइटर साहब कुछ लिखते हुए आज इनमें कुछ बीमार होने के बाद इनके अंदर का राइटर देखते हैं। अभी नहीं दिखाएंगे। ओ मिस्ट्री बोल के बताएंगे थोड़ी हवा। लेकिन आप अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं अभी। मेहंदी देख लो कोई चक्कर नहीं जी पर ये नहीं दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों तो कुछ समय बाद शायद आपको रिवील हो जाएगा ये क्या लिख रहे हैं। तब तक ये बच्चे शैतान का घर बन चुके हैं। और टाइम वो देख सकते हैं। टाइम बताओ क्या हुआ घड़ी में? टाइम बताओ जल्दी। टाइम बताओ क्या होगा? सही होना चाहिए। क्या नाइन थर्टी 9:14 हो गया। अब ये तेज होता है ये तेज वाला क्लॉक है। सही टाइम पकड़े हैं। ये बच्चा पास हो चुका है। बाद में चेंज होता है। देखो अगले बच्चे को पूछते हैं भाभी का टाइम क्या हुआ है। और देखो उधर टाइम क्या हुआ घड़ी में? घड़ी का बैग। हां इसमें क्या हुआ? बैग। तो तुम मेरी वॉच की मांग रही है? ये वॉच किसी ने मुझे गिफ्ट करके दी है। किसने? मैंने तो नहीं दी कहीं। नहीं फिर किसी और ने दिया। ओ कौन है कौन है? किसी फ्रेंड ने। फ्रेंड सस्पेंस में। किस फ्रेंड ने दी? नानी ने दी। हां है एक। अरे मैंने नानी को ही फ्रेंड बोल दिया। ये तो फ्रेंड है इसने नानी वाली नानी कोई घड़ी है जो फ्रेंड देगी मसी पापा। नानी ने दी है भाभी का कुकड़ू। सुबह हो गई है उठ जाओ ऐसा बोलो। तोड़ दे बिजली का मुंह। क्या किया? ओ यार कैट तोड़ दी।